नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। नजर डालते हैं सुबह की 10 बड़ी खबरों पर। लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में पीएम मोदी का संबोधन। राज्यसभा में होगी अंतरिम बजट पर चर्चा। पीएम मोदी से आज बिहार के सीएम नीतीश कुमार करेंगे मुलाकात। एनडीए सरकार बनने के बाद दोनों नेताओं के बीच पहली मुलाकात। एमपी में पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट में 11 लोगों की मौत, 150 घायल, 60 मकान जलकर खाक। फैक्ट्री मालिक को गिरफ्तार किया गया। सीएम मोहन यादव आज करेंगे घटनास्थल का दौरा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंची उड़ीसा। राउरकेला के वेदव्यास मंदिर पहुंचे राहुल गांधी, पूजा अर्चना में हुए शामिल। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे अखिलेश यादव, स्वीकार किया निमंत्रण। अमेठी या रायबरेली के साथ करेंगे पदयात्रा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट पहुंची ईडी, आज होगी सुनवाई। 5 बार समन भेजने के बावजूद हाजिर नहीं हुए केजरीवाल। दिल्ली शराब घोटाला मामले में संजय सिंह की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई आज। पिछले साल अक्टूबर में गिरफ्तार हुए थे संजय सिंह। जमीन घोटाला मामले में 5 दिनों की पूछताछ के बाद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कोर्ट में पेशी आज। ईडी मांग सकती है कुछ और दिनों की पुलिस रिमांड। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत पर ईडी का एक्शन। उत्तराखंड और दिल्ली के दर्जन भर ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। वाराणसी के व्यास तहखाने में पूजा की अनुमति देने वाले वाराणसी कोर्ट के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे टीएनपी न्यूज। नमस्कार।